लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जिमयांग सेरिंग नामग्याल डिस्ट्रिक्ट करगिल के 10 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने द्रास के दंदल चौकियाल गंडियाल लामचन मुश्कोवादी होलियान और मुरादबाग का दौरा किया। लोगों ने उनका हर जगह जबरदस्त वेलकम किया। द्रास में न्यूज 18 लद्दाख के नुमाइंदे के एक सवाल के जवाब में एमपी लद्दाख ने बताया कि वो लोगों के मसाइल सुनने और सरकार की स्कीमों का जायजा लेने के लिए आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने की मांग को कई बार पार्लियामेंट में उठा चुके हैं और उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो द्रास को दुनिया भर में सियाहती नक्शे पर लाने के लिए काफी काम किया जा रहा है। मुश्कोवादी में जंगली गुललाला और इस सियाहती मकाम को मजीद 4 चांद लगाते हैं। उन्होंने सबका सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि तमाम काम करने में कुछ वक्त लगेगा। कैजुअल लेबर्स के एक वफद ने एमपी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने तमाम मसाइल एमपी के सामने रखे। लोगों में जाके कोशिश ये है मेरा, गांव-गांव जाके गांव वालों से मिले, ग्रास रूट लेवल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिले और सभी सब डिविजनल लेवल के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स भी साथ लेके चले और उसमें हर गांव का जो है अलग अलग मसलाएँ होते हैं, कोई छोटे लेवल का होता है, कोई बड़े लेवल का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, एनिमल का हो, जल जीवन मिशन का हो या बिजली पानी सड़क हर चीज़ का जो है, तो गाँव वालों के बीच में बैठ के गाँव वालों से चर्चा करते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट को जो रिक्वेस्ट करना है उनके ओर से समझाना है, समझना है या उसको आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाना है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल मरकजी सरकार हो। सर कुछ अहम मुद्दे हैं जो शायद मुझे लगता है पब्लिक ने खासकर हेलीकॉप्टर सर्विस द्रास में, हेलीकॉप्टर सर्विस बहुत ही जरूरत है वो, और जो जोजिला में जो लेबर्स का मसला है तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ बहुत सारे जो अहम मसलाएं हैं, एक तो मैं आपके माध्यम से पूरे द्रास वालों को ये एश्योर देना चाहता हूँ, जब जब मुझे मौका मिलता है चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, द्रास को अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाने के मांग जो है जिस तरह यहाँ के लोग चाहते वो बात पार्लियामेंट में एक बार नहीं 2 बार उठा चुके हैं और लद्दाख के आपके एमपी की ओर से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी जा चुके हैं। उसके अलावा कारगिल डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं पूरे खत्ते लद्दाख का और डिफेंस सर्विस का भी एक अहम मुद्दा था जोजिला टनल को लेके। आज मैं यहाँ लोगों से मिला, मैंने लोगों से वार्तालाप किया, लोग जोजिला टनल बनते हुए अपने आंखों से देख रहा है। पहले एक ज़माना था यहाँ के खासकर बुजुर्ग लोग ये सोचते थे कि हम जोजिला टनल का डिमांड तो कर रहा है लेकिन अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज यहाँ के बुजुर्ग लोग भी बहुत तसल्ली से भारत सरकार को, मोदी जी को और हमको शुक्रिया करते हैं कि जोजिला टनल बनते हुए सबकी आंखों के सामने देख रहा है, इसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। और अब ये काम करते समय यहाँ पे बहुत कुछ जो है यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट्स मिलना चाहिए, खासकर मशीनरी इंगेज करने में हो या वहाँ के जो गार्ड्स को हो या वहाँ के स्किल एंड अनस्किल लेबर का काम हो वो यहाँ के लोगों को मिले। हमने पहले भी काफ़ी बार जो है इन कंपनियों को जो है बता चुके हैं और उससे कुछ यहाँ से लिया हुआ है, और भी यहाँ के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर जो है, लेबर जो है इस द्रास इलाके से जाए, वो मैंने लोगों को आश्वासन किया है कि कल सुबह उस मीटिंग में भी वो सारा चर्चा करेंगे और हमारे ओर से पूरा सपोर्ट रहेंगी कि यहाँ के लोगों को रोजगार जोजिला टनल के माध्यम से वो पैदा हो। इसलिए मुश्को वैली से लेके लामोचान से लेके हर जगह जो है एक विंटर टूरिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे काम इनिशिएट हुआ है। अभी गंडोला करने का DPR सबमिटेड है, उस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स है और यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस खासकर विंटर में चालू करने के लिए भी लोगों का मांग आया। मैं आपके माध्यम से लोगों को अश्योर करना चाहूँगा कि इस पे मैं चिट्ठी लिख के अलग से जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा द्रास में जो टेलीकम्युनिकेशन का पहले बहुत समस्या होते थे, USOF के फंडिंग से हो या एयरटेल के माध्यम से हो, यहाँ द्रास में बहुत सारे विलेजेस में जो है 4G का टावर लग चुका है और सर्विस भी चालू है। उसके अलावा भी जो रिसेंटली पूरे खत्ते लद्दाख के लिए 240 जो 4G का टावर नया सेंक्शन लाया था उसमें से 10 जो है द्रास के लिए सेंक्शन है, उसका सारा जमीनी स्तर पे सर्वे हो चुका है, कागजी कार्रवाई आजकल हो रहा है, ये विंटर खत्म होने के बाद वो सारा भी काम हो जाएगा। और द्रास वालों को मैं बधाई भी देना चाहूँगा, हमारे सरकार के दौरान ही यहाँ पे डिग्री कॉलेज सेंक्शन होके डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग भी जो बन रहा है, तो ये जो है मोदी सरकार की ओर से एक द्रास वालों के लिए एक